सिस्टर का नाम पूनम है और जे बालकला गांव के रहने वाले हैं। और जे सिस्टर की प्रॉब्लम जे कि 4 साल हो चुके थे मैरिज से पहले, इनको गिल्टियों की प्रॉब्लम थी, इनके चेस्ट में भी गिल्टियाँ थी जिससे जे बहुत परेशान थे और जे होम्योपैथिक की मेडिसिन खा रहे थे। और उस समय तो जे गिल्टियाँ अच्छी हो चुकी थी, पर फिर से जे वापस जो इनकी चेस्ट में इनके गिल्टियाँ हो चुकी थी। और जैसे ही जे संगति में आ रहे थे और प्रभु के दास के मुख से घोषणा हुई कि किसी के चेस्ट और गले के पास गिल्टियाँ हैं, सबसे पहले हम उस क्लिप को देखेंगे। गिल्टियां मुझे परमेश्वर आपकी चेस्ट पे, आपके गले के पास पास, ये गले का जो चेस्ट का जितना ऊपर वाला हिस्सा है मुझे परमेश्वर दिखा रहा है। मैंने कहा है कि ये गले के, ये चेस्ट के ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे आपके गिल्टियां हैं, मुझे परमेश्वर दिखा रहा। और आपकी वो उखड़ रही है, गायब हो रही है। आप रिसीव करो, आंखों को बंद रखो, ग्रहण करो और आमीन करो, धन्यवाद करो। आप गवाही से आने वाले हो, रिसीव करो, रिसीव करो। मैंने कहा रिसीव करो, आप गवाही से बड़ी गिल्टियां थी और जिससे जैसे जैसे सिस्टर ने रिसीव किया और आज उस गिल्टियां की प्रॉब्लम से जो इनके चेस्ट में थी बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। और सेकंड गवाही इनके, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने होम्योपैथिक की मेडिसिन खाई थी। कितना समय, 4 साल पहले भी जो गिल्टियां थी उस समय से जो खाई थी। और 4 साल लिख कर जाऊं बस, आपने ये मेडिसिन 4 साल लगातार खाई? नहीं सर। हाँ, कितना समय खाई ये प्रॉब्लम? 4 साल से थी। हाँ जी। और आपने कितना टाइम मेडिसिन खाई? साल एक खाती है सर। 1 साल आपने होम्योपैथिक, हाँ होम्योपैथिक दवाई ना? हाँ जी जी। 4 साल से इनकी ये प्रॉब्लम, उससे पहले आपने कोई एलोपैथ दवाई भी खाई जैसे अंग्रेजी दवाई? वो नहीं, हाँ वो नहीं। और कोई देसी नहीं सर। और आपने सिर्फ होम्योपैथिक ही दवाई 1 साल खाई कि ये मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाए सही? पर उस 1 साल होम्योपैथिक मेडिसिन खाने से भी वो प्रॉब्लम गई नहीं। हाँ जी सर। और किसने ये काम किया? किसने किया? प्रभु ने। मैंने कहा ये किसने किया? हाँ आगे बताऊं आगे। हाँ, और सेकंड गवाही के इनके पाँव में और इनके हाथों में भी बहुत सारी गिल्टियां थी। इनके पाँव में तो बहुत छोटी छोटी गिल्टियां थी जिसके कारण इनको चलने में भी बहुत तकलीफ रहती थी। और जे सिस्टर ने जैसे जे संगति में आते रहे और प्रभु के दास के मुख से है कि जिन गिल्टियां की प्रॉब्लम है वो आज फ्री हो चुके हैं। हम उस क्लिप को भी देखेंगे। गिल्टियां गैप हो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा गिल्टियां गैप हो यीशु मसीह के नाम से और सौलियां टूटे। अपने पांव के लिए भी ऐसे विश्वास किया कि परमेश्वर आप मेरे लिए इस गिल्टियों को अच्छा कर चुके हो। तो आज ये सिस्टर बता रहे कि परमेश्वर ने बिल्कुल अच्छी कर दी है। ये उनको चलने में दिक्कत रहती थी, अभी ये अच्छे से चल रहे हैं। और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हाँ सुनो सुनो, तारीफ करेंगे। एक सेकंड रुको। दोनों पांव में थी जी, नीचे नीचे के ऊपर वाले हिस्से में? हाँ जी, उंगलों के विचकार करके। अच्छा, उंगलों के मतलब बीच, मतलब छोटी छोटी गिल्टियां थी। हाँ जी। यहाँ पे पांव के नीचे भी कि उंगलों? नहीं सर, आगे करके। आगे मतलब हाँ, उंगलियों के बीच में थी। हाँ जी। कितनी थी? छोटी छोटी काफी थी? हाँ जी बहुत थी। चलिया नहीं आपको चलने में दिक्कत थी? हाँ। और जैसे जूती पहनने में क्या होती होगी, दिक्कत होती आती हूँ? हाँ, थोड़ी सॉफ्टी। हाँ, बहुत सॉफ्ट कोई ऐसे? हाँ? और आज आप पूरी तरह से क्या हो, फ्री हो? अगर किसी को शक है, कई लोग बोलते हैं ना ये झूठ मूठ ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, अगर किसी को शक है तो आकर चेक कर सकता है। हाँ बोलो, क्या कर सकता? क्योंकि ये लड़की अभी ये बिल्कुल न्यू है, अभी इसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। क्योंकि जिस लड़के से इसकी शादी हुई वो लड़का प्रभु में विश्वास करता था, ये तो नहीं करती, क्या नहीं है? तो पहले तो इसका मन नहीं था,
क्या नहीं था, पर कुछ प्रॉब्लम के कारण जब इसके हस्बैंड ने, पति ने बताया कि देखो भाई परमेश्वर तो किया है और वो कर सकता है, और ये एक बार मुझसे मिले और मैंने कुछ चीजों के लिए ने टीच किया और समझाया कि इस दुनिया को बनाने वाला सच्चा परमेश्वर कौन है। और जैसे मैंने टीच किया और इनका मन अच्छा हुआ और इनका मन, हाँ पहले तो उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को घर में देखना शुरू किया, फिर आना शुरू किया, हाँ और जैसे ही खुदा पर विश्वास किया और उसकी बातों को अपने जीवन में लिया, हाँ और जब परमेश्वर ने, हाँ ना, क्योंकि परमेश्वर तो सबके लिए बोलते, हो सकता है कि किसी यही सेम प्रॉब्लम किसी और को भी हो, ऑनलाइन जो है उनके जीवन में भी हो, पर जिसने उसको विश्वास से लिया, दिल से उन वचनों को लिया, क्या लिया, और आज देखो ये पूरी तरह से जो 4 साल से ये प्रॉब्लम थी, 1 साल लगातार होम्योपैथिक दवाई खाने से भी वो प्रॉब्लम नहीं गई, आज परमेश्वर ने क्या कर दी, पूरी तरह से टोटली ये फ्री है। इसलिए जोर से तारीफ करो।